हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो फ्रेंड्स, अभी का वीडियो है राहुल द्रविड एंग्री मोमेंट्स, राहुल द्रविड ट्रिब्यूट। चलो देखें भैया, तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले, अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो, ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। राहुल द्रविड़। अगर आपको लगता है कि राहुल द्रविड़ को कभी गुस्सा ही नहीं आता, देन यू आर रॉन्ग। He's the most aggressive person we have ever seen. आज 11 जनवरी उनका बर्थडे है और आज हमें उनकी एक सीक्रेट आपके साथ शेयर करनी है। Wait. क्या बात कर रहे हो? द्रविड और अग्रेसिव, एक ऐसा इंसान जो 40 बॉल के बाद एक रन स्कोर करता है, जिसे मॉक करते हुए स्टेडियम तालियां बजाता है, जिसे 25 साल के एज में इंडियन सिलेक्टर्स कहते हैं बॉस, यू आर अ प्योर टेस्ट बैट्समैन, यू कांट सर्वाइव ओडीआईस, उस राहुल द्रविड़ को कोई अग्रेसिव कैसे कह सकता है? Well, do you know शोएब अख्तर, वही पाकिस्तानी फास्ट बॉलर जो 161 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोल करता है, वो कहता है राहुल द्रविड़ अकेला ऐसा इंसान है जिससे मैं एक मैच में डरता था, क्योंकि एक बार वो बैटिंग करना स्टार्ट कर दे तो वो मोहम्मद अली जैसा था। पहले मेंटली तोड़ता था, फिर फिजिकली, और उसके बाद आपकी पूरी एनर्जी खत्म होने पर आपको नॉकआउट कर देता। जब एक बाउंसर हेलमेट पर लगता है तो दो ही ऑप्शन होते हैं, एक आने वाला हर शॉर्ट बॉल छोड़ दो, डक कर दो, गिव अप कर दो, और दूसरा ऐसा शॉट खेलो कि बॉलर आपको शॉर्ट बॉल डालने से ही डरे। एंड द्रविड़ चोज द सेकंड ऑप्शन। अग्रेशन का मतलब गालियां देना नहीं होता। राहुल द्रविड़ का अग्रेशन अपने क्रीज पर डटे रहना था। अगर असली अग्रेशन देखनी है तो राहुल द्रविड़ की आंखों में देखो। हमें असली अग्रेशन का मतलब सिखाने के लिए थैंक यू राहुल। वी लव राहुल द्रविड़ बिकॉज़ ही नोज़ हाउ टू टेक क्रिटिसिज्म। जब राहुल द्रविड़ ने लॉर्ड्स में अपना टेस्ट डेब्यू किया, तो सिर्फ 5 रन से अपनी सेंचुरी को मिस कर दिया। हिज अमेजिंग 95 वाज ओवरशैडोड बाय गांगुलीज अमेजिंग 131। अगर देखा जाए कि सबसे ज्यादा टेस्ट मैच आपने जिताया टफ कंडीशन में, लेकिन फिर भी सेकंड हीरो जैसा मतलब एक ऐसा कई खराब लगता है कभी? नहीं, कभी नहीं खराब लगता है मुझे। अब अगर आप इंडिया के लिए खेलते हैं तो इतनी बड़ी बात होती है, आपको एक खुशनसीबी होती है कि अगर आप एक मैच भी खेले इंडिया के लिए। 1999 का वर्ल्ड कप इंग्लैंड में हो रहा था, तो राहुल द्रविड़ ने ऑलमोस्ट एक साल इंग्लैंड में रहकर प्रैक्टिस की टू गेट यूज्ड टू द कंडीशंस। हर सुबह द्रविड़ उठकर एक शॉट मारने की प्रैक्टिस करते थे, सिर्फ एक शॉट, लेकिन परफेक्ट शॉट। And the result? जिस बैट्समैन को लोगों ने टेस्ट बैट्समैन कहा, वही बैट्समैन 1999 के वर्ल्ड कप में 461 रन्स के साथ हाईएस्ट रन स्कोरर बना। रिमेम्बर, भारत उस साल सेमीफाइनल्स तक भी नहीं पहुंची थी, यानी बाकी टीम से दो मैच कम खेली थी। राहुल द्रविड़, जिस बैट्समैन को लोगों ने टेस्ट बैट्समैन कहा था, वही बैट्समैन सिर्फ एक T20 इंटरनेशनल खेलता है और बैक टू बैक 3 सिक्सेस भी लगाता है। राहुल द्रविड़ एक ऐसा इंसान जो हर क्रिटिसिज्म को बड़े शांति से अपने डिसिप्लिन से अपना गेम इम्प्रूव करके गलत साबित करता था। अपने हर क्रिटिक की बात को अपनी बैट से चुप कराता। सो थैंक यू राहुल। बाय द वे, अगर आप राहुल द्रविड़ फैन हैं, तो आपको उनके स्टैट्स और फैक्ट्स तो पता ही होंगे, बट शायद ये बात पता नहीं होगी कि उनके लिए सबसे इंस्पायरिंग क्रिकेटर कौन है। तेंदुलकर, गांगुली, लक्ष्मण। Well, all of them are great. But एक क्रिकेटर जो राहुल द्रविड़ को भी इंस्पायर करता है, उसका नाम है प्रवीण तांबे। प्रवीण तांबे ने 20 सालों के लिए मुंबई के मैदानों में क्रिकेट खेला। वो एक अमेजिंग लेग स्पिनर है, लेकिन उन्हें इंडिया तो छोड़िए मुंबई को भी कभी रिप्रेजेंट करने का मौका ही नहीं मिला। 41 ईयर्स की एज में वो राजस्थान रॉयल्स के नेट्स में पहुंचे। तब राजस्थान एक यंग लेग स्पिनर की तलाश में था। यंगस्टर्स ने कहा कि एक और अंकल आ गए नेट्स में। सिलेक्शन होने के बाद भी एक साल उन्हें टीम में खेलने का मौका ही नहीं मिला, लेकिन हर दिन वो प्रैक्टिस पर सबसे पहले पहुंचते और सबसे लेट निकलते। अगले साल जब उन्हें मौका मिला, तब उन्होंने सबको अपने परफॉर्मेंस से चौंका दिया। उन्हें आईपीएल में जब पहला मैन ऑफ द मैच मिला, तब राहुल द्रविड़ कहते हैं कि प्रवीण तांबे ड्रेसिंग रूम में आए और रोने लगे। And for me, that is passion. I mean, you hear about great stories and great people, but to play 20 years without no recognition, to just keep playing in, you know, in gully cricket, in maidan cricket, we still have the desire and the hunger to keep doing it again and again. To have the attitude to come into an environment that gives you the opportunity to learn and grow and improve, and to grab it with both hands as a 41-year-old was, I think, a great lesson of passion to so many of the young players who are 18, 19, 20, 21 in our team. You know, looking out to make a career. सच, एक हीरे की परख जोहरी को ही होती है। ऐसे ही हीरे ढूंढने के लिए राहुल द्रविड़ ने आईपीएल में अपना हाई पेइंग जॉब छोड़कर अंडर 19 और इंडिया ए को कोच करना शुरू किया। And how to make a winner team? By saying winning doesn't matter. भारत के अंडर 19 क्रिकेट टीम को अगर एक शब्द में डिस्क्राइब किया जाए, तो वो है इनकंसिस्टेंट।
एटलीस्ट कुछ सालों पहले तक। स्टैट्स आप खुद देख सकते हैं। कभी कभी हमारी टीम वर्ल्ड कप उठा लेती है और मेन टीम को युवराज, भजी, कोहली जैसे हीरोज देती है, और कभी कभी अर्ली स्टेजेस में ही नॉकआउट हो जाती है। एक विनर टीम बनाने के लिए कंसिस्टेंसी एक टीम की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ होती है। पूरे टूर्नामेंट में अच्छा परफॉर्म करने के बाद एक फाइनल हार जाना इज ओके, लेकिन फाइनल तक पहुंचना इम्पोर्टेंट है। राहुल द्रविड़ मेड श्योर कि पूरी टीम अच्छा परफॉर्म करे, प्रेशर में खेलना एक्सपीरियंस करे और फाइनल्स तक पहुंचे। It is great to win, but what is greater is what we did in those 14 months to reach the finals. And that's what matters. Always aim at the bigger picture. Rahul Dravid ka goal clear tha. सिर्फ एक अंडर 19 वर्ल्ड कप विनिंग टीम बनाना नहीं, उनका गोल था भारत की क्रिकेट टीम के लिए विनर्स बनाना। एज अ रिजल्ट उन्होंने एक पॉलिसी बनाई जो सुनने में काफी वियर्ड सी लगती है। एक बार अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के बाद वो सेम प्लेयर फिर से अंडर 19 वर्ल्ड कप नहीं खेलेगा, भले ही वो एलिजिबल क्यों ना हो। बिकॉज वंस यू हैव प्लेड, योर जॉब इज डन, move on. And that's what he did as well. Under 19 ko coach karne ke baad he moved on to head the National Cricket Academy. IPL se Under 19, Under 19 se National Cricket Academy. Yani pay scale par niche lekin responsibility scale par upar badhne wala ek hi insaan hai, Rahul Dravid. Apne lakshya ko hamesha apni aankhon ke samne rakhne ke liye aggression lagta hai. अपने फ्यूचर के बारे में नहीं, भारत के फ्यूचर के बारे में सोचने के लिए अग्रेशन लगता है। जिंदगी कितने भी बाउंसर क्यों ना डाले, उन्हें फेस करने के लिए, डटे रहने के लिए अग्रेशन लगता है। और हम सब मन ही मन ये जानते हैं कि ये अग्रेशन राहुल द्रविड़ में है। आज जब भी कोई मैच टीवी पर चल रहा होता है और राहुल द्रविड़ टीवी पर आता है, अपनी छोटी सी डायरी में नोट्स बनाते हुए हमें दिखता है। मेरे चेहरे पर एक स्माइल आता है, ये देखकर अच्छा लगता है कि क्रिकेट का फ्यूचर एक वॉरियर के हाथ में। आज राहुल द्रविड़ एज अ कोच अपनी वैल्यूज भारत की क्रिकेट टीम को सिखा रहे, अग्रेशन का अपना वर्जन इंडियन टीम को दे रहा है, और इस गुंडे को हमारा हीरो कहने से मुझे फर्क पड़ता है। बहुत ही प्यारा वीडियो था जिसमें उन्होंने बताया कि उनकी कितनी क्या क्या खूबियां हैं, और उसमें मुझे वो बहुत अच्छा लगा कि अग्रेसिव का मतलब ये नहीं होता कि आप गाली गलोच कर दो या लड़ने लग जाओ वहां पे फील्ड पे किसी अपने ओपोनेंट से, प्लेयर से, तो वो नहीं होता। अग्रेसिव होने का मतलब होता है कि आप अपनी गेम को इतना अच्छा करो कि जो दूसरी टीम है वो देख के घबराए कि यार ये तो अच्छा खेल रहा है। तो वही वो कह रहे हैं, वही बता रहे हैं, ये होते हैं, ये रोल मॉडल्स होते हैं स्पोर्ट्स के। तो बहुत ही अच्छा बताया, और ये भी देख के मुझे बहुत अच्छा लगा कि वो बता रहे थे कि पैसों को इम्पोर्टेंस नहीं दी, काम कौन सा ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक अच्छी टीम इंडिया को मिले, उस हिसाब से कोचिंग की। कि आईपीएल छोड़ दिया जहां पैसे ही पैसा है, वहां की कोचिंग छोड़ के कम पैसे की पर वहां पे क्या कि भैया रिजल्ट अच्छा आएगा, वहां पे जब प्लेयर्स अच्छा खेलेंगे तो इंडिया की टीम स्ट्रॉन्गर बनेगी। तो वो सब सुन के ना लग रहा था कि वाकई ये ट्रू स्पोर्ट्समैन है, जो पैसों के पीछे नहीं भाग रहे, वो कंट्री के लिए चाहते कि हमारी इंडिया जीते, जीत के लेके आए ट्रॉफीज, एंड वो ही होना चाहिए। राइट, काफी अच्छा था। और इसमें मेन देखिए पॉइंट है कैरेक्टर का, और आपको बहुत कम क्रिकेटर्स मिलेंगे जो आप कह सकते हैं कंसिस्टेंटली कि अच्छे कैरेक्टर के हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं कुछ लोगों का ऐसे पता चल जाता है, फिर आप बोलते हैं यार ये तो हम तो सोचे थे अच्छा कैरेक्टर है, मगर यहाँ पे ये करके कुछ बात गड़बड़ हो गई। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल है अच्छे कैरेक्टर का कंसिस्टेंटली, कि उन्होंने जहाँ स्पीचेस दे रहे हैं वो एग्जांपल्स दे रहे हैं लोगों के जो 40 इयर्स ओल्ड हैं, उसके बाद अब जीत रहे हैं। मगर पैशन का मतलब क्या है कि एक बार खेलता है, दो बार गंदा बंदा खेलता है, नहीं होता बोलता छोड़ो यार मैं कुछ और कर लेता हूँ, मगर यहाँ पे पैशन बरकरार था कि खेलते रहे, फर्क नहीं पड़ता, पैशन है, चाहे वो जिंदगी भर उनको कुछ नहीं मिलता तो भी खेलते रहते जब तक बॉडी अलाउ करती है। तो वो बहुत अच्छी बात थी। और उसके बाद उसी के बारे में स्पीचेस देना और वो जो भाई साहब है उनका एग्जांपल देना दुनिया को, उनको इज्जत देना कि देखिए अगर आप पैशन की बात कर रहे हैं तो ये पैशन है। उन्होंने किसी और क्रिकेटर का नाम ले लिया, कई लोग घबरा जाते हैं, अच्छा सीनियर है उसका नाम ले लेता हूँ, ये है वो है, अगली बार ये कैप्टन बना है इसका नाम ले लेता हूँ, कुछ नहीं। गुड कैरेक्टर, निडर कि नहीं यही बंदा ट्रू कैरेक्टर है। उसके बाद उन्होंने ये देखा कि मैं कहाँ कंट्रीब्यूट कर सकता हूँ, क्योंकि आप जो है ये नहीं देख रहे कि मैं पैसा कैसे बना सकता हूँ, वो देख रहे हैं कि कंट्री की हेल्प कैसे कर सकता हूँ। तो उसके लिए क्या किया उन्होंने, डिफरेंट डिफरेंट कोचिंग पोजिशंस ली और रूल्स भी सही बनाए कि 19 में अगर आप एक बार आ गए तो आप उसको कर चुके हैं कवर, अब आगे जाइए आगे खेलिए। तो और उसके बाद जैसे बता रहे हैं कि नेशनल क्रिकेट का बने थे वहां पे कोच, उसमें सैलरी कम मिलती है आईपीएल से, क्योंकि आईपीएल तो बहुत पैसे वाली चीज हो गई,
तो वहां पे वही एग्जांपल है, वो देख रहे हैं कि इंडिया का भला कैसे हो सकता है, मैं कहां कंट्रीब्यूट कर सकता हूं अपने देश के लिए, उसी का एग्जांपल देख के वेरी नाइस. उन्होंने बहुत अच्छा, जबकि उनका बर्थडे है, हैप्पी बर्थडे, मगर लेट हो गए हम तो थोड़े लेट हो गए, मगर द गुड पॉइंट इज कि इन्होंने बहुत ही अच्छा एग्जांपल लिया था. इतने लोगों का बर्थडे होता है, बट स्पेशली आपने एक एग्जांपल लिया जो अच्छा कैरेक्टर है, वेरी नाइस, वेरी नाइस, बहुत अच्छा दिखाया, वीडियो बहुत अच्छा बनाया. तो चलो फ्रेंड्स, चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द. टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय. तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए.